हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबको यू कैन चैनल हिंदी में स्वागत है। आज का टेस्टी रेसिपी होगा अंडे की क्रीमी मसाला या फिर एग क्रीमी मसाला। ये रेसिपी है आपको चपाती, डोसा, बटर नॉन, रोटी और चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगेगी। और आप इस रेसिपी को कन्नड़ा में भी देखने चाहते हो तो फिर आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर किस देर की आप वो इस रेसिपी को जल्दी बनाते हैं। यहाँ मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। अब मैं दो आधा काटा हुआ टमाटर डाल रहा हूँ, यानी 2 हाफ चॉप्ड टमाटोस को डाल रहा हूँ। टमाटर को डालने के बाद मैं यहाँ 5 छोटी साइज का अदरक डाल रहा हूँ और 10 से 12 लहसुन भी डाल रहा हूँ। और मैं यहाँ 7 से 8 आधा कटा हुआ काजू भी डाल रहा हूँ। अब हम इसको 5 मिनट तक उबलने के लिए रख दिए हैं। अब आप देख सकते हैं अच्छी सी उबल चुकी है। इसे हम 5 मिनट तक बॉईल होने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसी हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे कम्प्लीटली कूल करना चाहिए। अब मैं यहाँ एक कढ़ाई को लिया हूँ। कढ़ाई में 3 स्पून तेल डाल रहा हूँ और 1 तेज पत्ता डाल रहा हूँ और 2 कटा हुआ हरी मिर्च को भी डाल रहा हूँ। अब हम इसे लो फ्लेम में अच्छी सी फ्राई करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। अब मैं 3 काटा हुआ प्याज डाल रहा हूँ। 3 काटा हुआ प्याज को डालने के बाद हम इसे अच्छी सी मीडियम फ्लेम में फ्राई करना चाहिए। आप देख सकते हैं फ्राई होने के बाद उसका रंग कुछ चेंज हो चुकी है, ब्राउनिश हो चुकी है। अब मैं 1 स्पून गरम मसाला डाल रहा हूँ, 1 स्पून धनिया के पाउडर भी डाल रहा हूँ, 1 स्पून लाल मिर्च का पाउडर भी डाल रहा हूँ, थोड़ी हल्दी का पाउडर भी डाल रहा हूँ, 3/4 स्पून नमक को भी डाल रहा हूँ। और मैं यहाँ 1 बॉल धनिया और मेथी के पत्ते को भी डाल रहा हूँ। मैं यहाँ धनिया और मेथी के पत्तों को मिक्स करके 1 बॉल मेजरमेंट पर डाल रहा हूँ। अब हम इसको फ्राई करना चाहिए मीडियम फ्लेम में। इसे फ्राई होने के लिए रख देते हैं वहाँ। अब मैं यहाँ एक जार को लिया हूँ। अब जार में हमने जो कूल होने के लिए रख दिए थे कम्प्लीटली उबले हुए टमाटर काजू, वो उसको हम जार में डाल देंगे। ऐसी कम्प्लीटली कूल होने के बाद ही आप इस स्टेप को करना चाहिए। अब हम इसको ग्राइंड करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने 5 उबले हुए अंडों को मैं यहाँ आधा काट दूंगा। काट कर इसको साइड में रख देते हैं। और हमने जो मसाला को मीडियम लो फ्लेम में फ्राई करने के लिए रख दिए थे वो फ्राई हो चुकी है लो फ्लेम में। आप देख सकते हैं ये अच्छी सी फ्राई हो चुकी है लो फ्लेम में। अब हमने जो पेस्ट बनाए थे उबले हुए कुकिंग आइटम से, यानी टमाटर काजू, उसका पेस्ट को भी हमें यहाँ डालना चाहिए। इसको डालने के बाद हमें इसे अच्छी सी फ्राई करना चाहिए मीडियम फ्लेम में। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। अब मैंने जो जार को वॉश किया था उसका पानी को भी डाल रहा हूँ मैं। इसे डालकर आप ऐसे मिक्स करें। आपको कितनी पानी आप चाहिए आप उतनी पानी डाल सकते हैं, मुझे इतनी काफ़ी है। अब हम इसको मिक्स करना चाहिए। मिक्स करने के बाद हम इसे उबलने के लिए रख देते हैं
और उबलने के समय ही मैं यहाँ आधा स्पून नमक डाल रहा हूँ। इसको ऐसे ही मिक्स करें। ऐसे आपको इसे अच्छी सी मिक्स करना चाहिए। अब हमने जो 5 उबले हुए अंडों को आधा काट दिया था, उन अंडों को भी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। इसे डालने के बाद हम इसे जेंटली मसाला के अंदर स्लाइटली से पुश करना चाहिए, इसको स्लाइटली डुबाना चाहिए। आप देख सकते हैं एयर बबल्स दिखाई दे रही है, ये उबल रही है। अब मैं 1 स्पून कसूरी मेथी डाल रहा हूँ। देख सकते हैं कैसे उबल रही है, एयर बबल्स भी आपको दिखाई दे रही है। अब मैं 1 बॉल फ्रेश क्रीम डाल रहा हूँ। फ्रेश क्रीम से हमारी रेसिपी भी थोड़ी क्रीमी रहेगी। अब मैं यहाँ थोड़ी ग्रेट किए हुए अंडों को डाल रहा हूँ। मैंने अंडों को ग्रेट करके डाल लिया था। ये आपको ऑप्शनल है, हम डाल सकते हैं या फिर आप नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम इसे लाइटली से मिक्स करना चाहिए। मिक्स करने के बाद अंडों को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ये रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए और स्वादिष्ट अंडे की क्रीमी मसाला रेडी हो चुकी है या फिर एक क्रीमी मसाला रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी को आप आज ही अपने घर में बनाइए और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ इसे रोटी, चपाती, बटर नान या फिर परोठा और चावल के साथ भी खाइए। ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगेगी। और आप इस रेसिपी को कनाडा में भी देखने जाते हो तो फिर आपके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर आपको कैसे लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपकी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब होकर उसके पास वहाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।